नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीबीटी डीएलएड एंट्रेंस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के ही ये क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप एचपी जीबीटी डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपी जीबीटी डीएलएड एंट्रेंस 2022 के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 4 सेक्शंस होंगी, इंग्लिश हिंदी जीके और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 25। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 26 to 30 आर ब्लैंक, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंस। तो हमने यहाँ पे हमें ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोला कि आई डिड नॉट अटेंड वट ही सेट। तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा, ये आएगा टू आएगा, आई डिड नॉट अटेंड टू वट ही सेट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमने करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है किसमें, ब्लैंक में, टू मेक सेंस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ही डाइड डैश कोलेरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑफ आएगा, ही डाइड ऑफ कोलेरा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि आई आस्क्ड हिम डैश सम मिल्क। तो इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा, करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ आएगा आपका आई आस्क्ड हिम फॉर सम मिल्क। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आई आस्क्ड हिम फॉर सम मिल्क। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि आई गो टू स्कूल डैश फुट। तो बोला गया आई गो टू स्कूल डैश फुट। तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ऑन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि इंग्लिश इज़ नॉट डैश इजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज़ करके क्या हमने सेंस बनाना है। तो इंग्लिश इज़ नॉट डैश इजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आएगा आपका एन, इंग्लिश इज़ नॉट एन इजी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आर ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सेंस। तो हमने करेक्ट आर्टिकल फिल करना है इसमें ब्लैंक में टू मेक सेंस। तो पहला है डैश गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। तो क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आएगा आपका द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, द गंगा इज़ सेक्रेड रिवर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ही इज़ डैश यूरोपियन। तो ही इज़ डैश यूरोपियन, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ए, ही इज़ ए यूरोपियन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि इट वाज डैश एक्सीलेंट मील लास्ट नाइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एन, इट वाज एन एक्सीलेंट मील एट लास्ट नाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये एचपी जीबीटी डीएलएड 2018 का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें पूछे गए थे ये इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, तो उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें बोल गई ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। यहाँ पे बोला गया कि राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो वर्ड यहाँ पे दिया नहीं है तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 35 to 40, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू मेक द सेंटेंस ए मीनिंगफुल वन। तो पहला है सी वाज एक्यूज डैश थेफ्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ऑफ, ऑफ जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमने करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करके सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाया है, तो सी वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आई एम एंग्री डैश योर बिहेवियर। तो आई एम एंग्री हमने प्रपोजिशन का यूज़ करना है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, एट आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आई हैव नो अथॉरिटी डैश हिम इन दिस मैटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, आई हैव नो अथॉरिटी ओवर हिम इन दिस मैटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आई हैव नो अथॉरिटी ओवर हिम इन दिस मैटर। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया कि प्लीज़ सेंड डैश द डॉक्टर एट वंस। तो प्लीज़ सेंड डैश द डॉक्टर एट वंस, वंस तो प्रपोजिशन आएगा आपका फॉर, प्लीज़ सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द डॉग स्प्रैंग द कैट, द डॉग डैश द डॉग स्प्रैंग डैश द कैट। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपॉन द डॉग स्प्रैंग अपॉन द कैट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द हंटर एम्ड डैश द वर्ड। द हंटर एम्ड डैश द वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, आएगा द हंटर एम्ड एट द वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हमें दिया है आई नो हिम, इसे हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या आएगा आई नो हिम का, ही इज़ नोन टू मी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ही इज़ नोन टू मी, ये करेक्ट पैसिव वॉइस होगा किसका, आई नो हिम का। क्वेश्चन नंबर 42-43 में बोला गया कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेलिंग हमने यहाँ पे चूज़ करनी है, तो इन्फ्लुएंस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, INFLUENCE। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट स्पेलिंग वाले अपने लिख लेने हैं ताकि आपको बाद में रिविजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो इन्फ्लुएंस की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह अगला है, इसमें एटिक्यूट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, ETIQUETE। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 44-45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें वर्ड दिया है, इसका हमने अल्टरनेटिव चूज़ करना है जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस करे इसके मीनिंग में। तो प्रिडिक्ट का जो होगा वो होगा आपका फोरटेल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका अल्टरनेटिव मीनिंग होगा प्रिडिक्ट का फोरटेल, जो इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। डेस्टिनी का क्या होगा, तो डेस्टिनी का आपका फेट होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो फेट जो है वो आपका डेस्टिनी के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस अल्टरनेटिव वर्ड है ये डेस्टिनी का फेट, जो इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46-47 में बोला गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमने वर्ड दिए हैं हमें, हमने इसमें हमने इसके इसका अल्टरनेटिव हमने चूज करना है जो इसके वर्ड को ऑपोजिट क्या करे, एक्सप्रेस करे। तो विड्रो का क्या होगा, तो विड्रो का जो होगा वो होगा हमने ऑपोजिट करना है, तो एडवांस जो है वो आपका विड्रो का होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमें इसमें बोला गया था इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, तो विड्रो का जो होगा वो एडवांस होगा ऑपोजिट वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में ब्लंट का क्या होगा, तो ब्लंट का आपका शार्प होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48-50 में बोला गया कि फाइंड द करेक्ट आंसर। तो पहला 48 क्वेश्चन है, माई सिस्टर इज डैश एम ए। तो क्या आएगा यहाँ पर, माई सिस्टर इज एन एम ए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, माई सिस्टर इज एन एम ए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। इसमें बोला गया कि डैश इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है इसका मीनिंग होता है, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द सेंटेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाजे ग्रेट लीडर। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन करना है,
तो नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द सेंटेंस द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए ग्रेट लीडर, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने एचपी जेबीटी डीएलएड एंट्रेंस 2018 का क्वेश्चन पेपर आज हमने डिस्कस किया, मेनली इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपको भी आगामी एचपी जेबीटी डीएलएड एंट्रेंस 2022 में भी काफ़ी ये क्वेश्चन हेल्पफुल साबित होंगे, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप एच पी जी बी टी डी एल एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स।